जय श्री कृष्णा। श्री कान्हा जी क्रिएशंस में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि शरद पूर्णिमा आ रही है, तो मैं आज आपको कान्हा जी का शरद पूर्णिमा का स्पेशल व्हाइट कलर का मेकअप मैं आपको करके दिखाऊंगी कि मैं अपने कान्हा जी का कैसे करती हूँ करूंगी का शरद पूर्णिमा में श्रृंगार। तो चलिए हम श्रृंगार करते हैं, हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए ये है हमारे प्यारे प्यारे से लड्डू गोपाल, हमारे कान्हा जी। देखिए ये आप सब लोगों को राधे राधे बोल रहे हैं। ये देखिए, बोलिए आप लोग भी राधे राधे। ये कैसे मुस्कुराकर आपसे राधे राधे बोल रहे हैं। तो जो भी कोई मेरे कान्हा जी को राधे राधे बोलना चाहता है तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। देखिए ये कैसे मुस्कुरा रहे हैं। तो राधे राधे फ्रेंड्स, मेरे कान्हा जी की तरफ से भी राधे राधे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर जरूर कीजिए। और आप मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो चलिए हम श्रृंगार स्टार्ट करते हैं। पहले मैं अपने जी तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने अभी अपने कान्हा जी का श्रृंगार हटा दिया है। अब मैं इनको श्रृंगार करूंगी। श्रृंगार के लिए ये देखिए, मैंने ये फेविक्रिल के अक्रेलिक कलर्स यूज किए हैं। ये देखिए मैं वाइट कलर से और ब्लैक कलर से कान्हा जी का श्रृंगार करूंगी। और इसके लिए मैंने ली है ये 0 नंबर की ब्रश, टूथपिक। तो चलिए फ्रेंड्स श्रृंगार स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया ये वाइट कलर, वाइट कलर लेंगे हम, सॉरी ब्लैक कलर। यही नहीं पता कलर। सबसे पहले हम लेंगे, सॉरी फ्रेंड्स, ब्लैक कलर। ब्लैक कलर से हम इनकी आईज का मेकअप करेंगे। ये देखिए मैं कान्हा जी को अपने हाथों में उठाऊंगी। जी मैंने इनको चेन पहनाई हुई है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं इनके नीचे काजल लगाऊंगी। बिल्कुल स्लो स्लो फ्रेंड्स, आराम से हम कान्हा जी को काजल लगाएंगे। देखिए एक मिनट, बंद बंद करो एक बार, ये ब्रश सही नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने नीचे काजल लगा दिया है। अब मैं कान्हा जी की आईज के ऊपर भी काजल लगाऊंगी। ये देखिए एक्रेलिक कलर से श्रृंगार करने से फ्रेंड्स, ये हमारा श्रृंगार कम से कम 15-20 दिन या महीना भर भी चल जाता है। चाहे हम कान्हा जी को कितना भी रगड़ रगड़ के नहलाएं, श्रृंगार हमारा हटता नहीं है। देखिए मैंने बिल्कुल पतला काजल कान्हा जी को पर लाइनर लगा दिया है और काजल लगा दिया है। ये देखिए हमारी आईज कान्हा जी की। अब हम ब्रश को धोएंगे। एक मिनट फिर बंद करो। देखिए फ्रेंड्स, अब हम रेड कलर से, ये देखिए मैंने रेड कलर लिया ब्रश में। रेड कलर से हम कान्हा जी के लिप्स पर लिपस्टिक लगाएंगे।
इस तरीके से। ये देखिए मैंने कान्हा जी के लिप्स पर लिपस्टिक लगा दी है ब्रश को धोकर। अब फ्रेंड्स हम टूथपिक का यूज करेंगे। ये देखिए मैंने ये टूथपिक ली है। अब हम वाइट कलर में इसको डिप करेंगे। ये देखिए वाइट कलर में डिप करके और हम कान्हा जी का यहाँ पर आईब्रो पे श्रृंगार करेंगे। शरद पूर्णिमा है तो मैं व्हाइट कलर से ही इनकी श्रृंगार करूंगी। ऐसे दूसरी साइड यहाँ पर देखिए तो मैं ऐसे एक छोटा सा व्हाइट सर्कल बनाऊंगी कान्हा जी के गालों पर ऐसे, और इधर की साइड भी छोटा सा सर्कल। ये देखिए इस पर बिल्कुल छोटी छोटी सी डॉट्स। देखिए फ्रेंड्स मैंने दोनों गालों पर कान्हा जी के लगा दिए हैं। ये देखिए अब मैं इनके तिलक लगाऊंगी वाइट कलर से। नीचे ले जाकर ऐसे तिरछा कर देंगे। इस तरीके से ये देखिए देखिए फ्रेंड्स मैंने तिलक भी लगा दिया है कान्हा जी को। अब मैं इनके वाइट कलर से ही यहाँ पर इनके चिन पर एक गोल प्यारा सा डॉट बना दूंगी और इनकी वाइट कलर से ही नोज पर भी नोज पिन बना दूंगी इस तरीके से। देखिए अब हमारे कान्हा जी का शरद पूर्णिमा का स्पेशल श्रृंगार रेडी है। अब ये देखिए मैं इनको पहनाऊंगी। ये देखिए अब मैं इनको तैयार करूंगी। ये इसके लिए ये देखिए फ्रेंड्स इसकी वीडियो मैं इस ड्रेस की वीडियो मैं आपको पहले ही दे चुकी हूँ। तो हम कान्हा जी को ये व्हाइट वाली ड्रेस पहनाएंगे। तो चलिए हम कान्हा जी को तैयार करते हैं। बस फिर सकते हैं कोई नहीं दिखा देना उतारते हो कोई दिक्कत नहीं। देखिए पहले मैं इनको ये चोली पहनाऊंगी। मैं पीछे से ले जाकर टक कर दूंगी।
पीछे से हम ऐसे एडजस्ट कर देंगे। इन्होंने ये चेन पहनी हुई है, मैं इसको ये बाहर निकाल दूंगी ऐसे। ये देखिए मैं अपनी ड्रेस पहनाऊंगी। देखिए ये आपको देखकर कैसे मुस्कुरा रहे हैं, बोलिए राधे राधे। थोड़ा सा देखिए फ्रेंड्स, मैं इनको गले में ये देखिए ये व्हाइट कलर की ये पहनाऊंगी। टेढ़े हैं, और ये देखिए फ्रेंड्स हाथों में मैंने यही फ्लावर लिया है जो मैंने अपनी ड्रेस में लगाया है। इसको मैं ऐसे हाके, इसमें ये तार होता है, इससे मैं ऐसे कान्हा जी के हाथों में हल्का सा सॉफ्ट तरीके से इसको बांध दूंगी। ये हमारे कान्हा जी के हाथों का कंगन बन गया है। ये देखिए इनको थोड़ा सा, सॉरी कान्हा जी, ये देखिए मैं तिलक के ऊपर ये व्हाइट कलर का अपना स्टोन की बिंदी लगाऊंगी। ये देखिए गेम की करूं। देखिए फ्रेंड्स मैंने ये बाल लगा दिए कान्हा जी के, मेरे कान्हा जी के घुंघराले घुंघराले प्यारे प्यारे बाल। अब ये देखिए ये मुकुट है, इसकी वीडियो मैं आपको पहले दे चुकी हूँ। इसमें देखिए मोर पंख है, इसकी वीडियो भी मैं आपको पहले दे चुकी हूँ। इन सबका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ये मोर पंख भी मैंने खुद ही डेकोरेट किया है। हम अपने मोर पंख को अपने कान जहाँ भी आप एडजस्ट करना चाहें, हम कान्हा जी की पगड़ी में ऐसे लगाकर, और मोरपंख फ्रेंड्स कान्हा जी को बहुत पसंद है मोर, तो हम मोरपंख कान्हा जी की पगड़ी में जरूर लगाते हैं। तो ये देखिए हमारे कान्हा जी शरद पूर्णिमा के लिए तैयार हैं। ये इनकी बांसुरी, ये हम इनको बांसुरी दे देंगे। ये देखिए हमारे प्यारे प्यारे कान्हा जी तैयार हैं, और ये तैयार होके आप सबसे बोल रहे हैं राधे राधे। तो देखिए फ्रेंड्स हमारे कान्हा जी शरद पूर्णिमा के लिए बिल्कुल तैयार हैं। ये कितने प्यारे लग रहे हैं, बिल्कुल वाइट श्रृंगार वाइट ड्रेस, और इनकी पगड़ी देखिए कितनी प्यारी लग रही है मोर पंख के साथ। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे कान्हा जी को राधे राधे जरूर कहिए, और अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए। उनका इन सबका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। राधे राधे फ्रेंड्स, मेरे कान्हा जी से भी बोलिए राधे राधे।